तो बहते पानी की तरह आगे निकल जाता है, मगर अपने पीछे दास्तान छोड़ जाता है और हम किनारे पर बैठे वो दास्तानें सुनते रहते हैं। ऐसी ही एक दास्तान आज मैं आपका शहर चंडीगढ़ आपको सुनाने जा रहा हूं। इस दास्तान में इतिहास के राज भी हैं और दर्द भी, उम्मीदें भी हैं और ख्वाब भी, मोहब्बत भी है और दोस्ती भी। हवा शिवालिक से बहती मेरे बागों को लहराती, सुखना की मध्यम लहरें गा गा कर हीर सुना जाती। चहल पहल बाजारों में पर भीड़ भाड़ से दूर हूं मैं, शांत मोहल्लों तक ये सड़कें बिना शोर के ले जाती। नए विचार का स्वागत भी और रखा पुराना संजो कर खुले हाथ की सोच लिए मैं सुंदर शहर हूं चंडीगढ़। खिलते गुलाबों के बीच आज इस 50 से भी अधिक वर्षों से लगातार मनाए जा रहे गुलाबोत्सव का आनंद लेते हुए चारों ओर अपनी छटाएं बिखेरती कलाओं में सराबोर होते हुए आज आप जिस एहसास से रूबरू हो रहे हैं, वास्तव में वो एहसास ही हूं मैं, चंडीगढ़ हूं मैं। आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, एक ओर अपने गौरवशाली इतिहास के पन्ने पढ़ रहा है तो दूसरी ओर एक आने वाले स्वर्णिम काल की परिकल्पना लिख रहा है, तो क्यों ना मैं भी आपके साथ अपना इतिहास भी दोहरा लूं और आने वाले कल के सपने भी सजा लूं। आखिर हमको भी तो आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी ओर से शंखनाद करना है। ऐसा बहुत कुछ मिला है। ये तुम्हें इसी जमीन चल
भीतर मिला, मगर ये तो कई हजार साल पुराना है। मतलब इस जमीन पर हमसे हजारों साल पहले भी। जी हाँ, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा संस्कृति के सबूत अपनी धरती के गर्भ में छुपाए मैं हजारों सालों पुरानी कहानियों को अपने सामने घटित होते देख चुका हूं। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी कहानी आपके साथ कब और कैसे जुड़ गई। के साथ हुआ विभाजन, फिर आए वो गम की लंबी काली रात। आधा हिस्सा छूट गया, पंजाब बचा आधा इस ओर। बहुत बड़ी कीमत देकर पाई आजादी की सौगात। टूटा था पर हारा नहीं था, देश मेरा फिर हुआ खड़ा। सबके मन में उदित हो रहा एक अनोखा सा विश्वास। नई सोच वाली राजधानी पंजाब प्रांत का शहर नया, आशीष मिला मां चंडी से और चंडीगढ़ को नाम मिला। शिवालय की गोद में जन्मा नया शहर ये सपनों का, हर एक हिस्सा सुनियोजित हो ऐसा सबका निश्चय था। कम संसाधन कठिन चुनौती, पर आशा बल कम न था। भारत के सुनहरे भविष्य की उसे निशानी बनना था। इस सपनों के शहर को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई अमरीकी निर्माताओं अल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी को, जिसको बाद में फ्रेंच आर्किटेक्ट ल कोबूजिये ने आगे बढ़ाया। और इस काम में उनके कंधे से कंधा मिला साथ दिया भारत के भूमि पुत्रों जैसे कि चीफ इंजीनियर पी एल वर्मा, डॉक्टर एम एस रंधावा और बहुत से भारतीय आर्किटेक्ट्स ने। चंडीगढ़ शहर को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा और हर सेक्टर को अपने आप में आत्मनिर्भर बनाया, जिसमें घर भी थे, बाजार भी थे, दफ्तर भी और अपने अपने बाग बगीचे भी। रोचक बात यह है कि ल कॉर्बूज़िये ने चंडीगढ़ शहर की कल्पना एक मानव शरीर की संरचना के रूप में की। एडमिन ब्लॉक को शीर्ष बनाया कैपिटल जो कहलाता। 17 सेक्टर चंडीगढ़ का दिल बनकर है मुस्काता। लेजर वैली श्वास कोश बन सेहत का नित ध्यान रखे। एजुकेशन ब्लॉक शहर का बुद्धिवर्धन करवाता। शहर की सड़कें रक्त धमनियों के जैसे ही काम करें। औद्योगिक रचना आंतों की भांति शहर को साफ रखें। इस विहंगम मानवीय शरीर की संरचना के अलावा जो सबसे बड़ा उपहार ल कॉर्बूज़िये ने इस शहर को यानी मुझे दिया,
वो था इसका खुले हाथ वाला प्रतीक, जो आज इस शहर की शान बन चुका है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मैंने अपनी बाहें खुले आकाश के नीचे फैलाई और उनमें डेवलपमेंट, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और एजुकेशन जैसे विकास कार्य समाते चले गए। म्यूजियम, महोत्सवों
जिंदा दिल सोच के साथ मैं वो एक शहर बन गया जैसा कोई भी दूसरा शहर बनना चाहता है। पर इतने पर ना रुकना मुझको, अभी तो आगे बढ़ना है। आप सभी को साथ में लेकर इतिहास नया एक गढ़ना है। देश मनाता अमृत उत्सव और देखता है सुनहरा कल, मुझको भी सपने भी योगदान बड़ा ही करना है। आओ करें हम सब संकल्प, साथ चलेंगे हाथ मिलाकर, खुले हाथ की सोच लिए, मैं सुंदर शहर हूं। Is it time to
Thank you.